नंबर लाने के लिए उनको सम्मानित किया। और ये बात इस विषय को दर्शाता है कि ये समाज नीचे से आकर्षित हो रहा है, क्योंकि बच्चियां पढ़ रही है, उनकी साइंस में कोई 82% कोई 76% मार्क्स ला रही है। ये बहुत ही अच्छा विषय है और मैं आप सबको इसलिए अभिनंदन करता हूँ कि सिर्फ लड़के नहीं, हमने जिन दोनों को पुरस्कृत किया, अभिनंदन किया, वो दोनों ही लड़कियां हैं। और लड़कियों का विकास होना ये इस बात का प्रमाण सूचक है कि ये समाज आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हमने बहुत समाजों में हम लोगों ने देखा है कि लड़के पढ़ते हैं, लड़के आगे बढ़ जाते हैं और लड़कियां पीछे ही रह जाती हैं, क्योंकि हमारी समाज व्यवस्था में अभी भी बहुत भ्रांत ऐसी धारणा है जहां जो लड़कों या समाज पुरुष प्रधान समाज को दर्शाती है। मैं इस समाज को जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत से लोगों से हम लोग इस समाज के लोगों से जुड़े हुए हैं। और ये जो वैश्य कानून समाज है, एक बहुत ही शांत समाज है और राज्य के विभिन्न राज्य के योगदान में, निर्माण के योगदान के साथ साथ हमारे बाराखेड़ी का जो ग्रोथ है, जो निर्माण है, इसमें भी इस समाज का बहुत ही एक अहम योगदान है। सभी समाजों के योगदान की तरह ये समाज भी अपने परिश्रम, अपने पुरुषार्थ से अपनी जाति के साथ साथ अपने समाज, अपने अंचल को, अपने राज्य को आगे ले जाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हमारे एक सज्जन बोले कि ओबीसी कैटेगरी नहीं मिलने से सरकार की बहुत सी सुविधाओं से समाज वंचित है, लेकिन जो बिना ओबीसी कैटेगरी या किसी भी संरक्षण के लाभ के बिना ये समाज आगे बढ़ रहा है, तो सही में ये अपने जो बुनियादी ढांचा है इसको परिवर्तित कर रहे हैं। आज के दिन में अगर समाज को आगे बढ़ाना पड़ेगा तो शिक्षा के बिना कोई भी समाज, कोई भी जाति आगे बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसलिए हम सभी को शिक्षा में जोर देना है, शिक्षा के साथ वर्क फ्रॉम होम एर सुविधा निये एलो केआरसी प्लेसमेंट। घरे बसे आपनारा करते पारबेन काज। सुविधे थाकते होबे ल्यापटप एबं वाईफाई एर। आपनादेर आपडेटेड सीवी मेल करुन 5b4success@gmail.com अथवा व्हाट्सएप करुन 9330830083 नम्बरे। आर प्रस्तुत थाकुन सीवी बाछाइयेर पर टेलिफोनिक इंटरव्यू राउंडेर जोन्नो।